नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। वहाँ वो फोर लाइन में चला गया, उसी के उपलक्ष में यहाँ जो ग्रामीण अपना श्रद्धा व्यक्त किए, उसी के आधार पर यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है। नमस्कार, मैं सोनी कुमार पिंटू, सिने आजकल सीएम इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। माँ दुर्गा मंदिर का भव्य कलश यात्रा आप देख रहे हैं। इस कलश यात्रा में लगभग हजारों हजार संख्या में लोग भाग लिए हैं। तो यह कलश यात्रा क्यों और कहां से शुरू हुआ है, तो मैं बता दूं, कोइलोर प्रखंड अंतर्गत गीधा गांव में माँ दुर्गा मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है। यह वही मंदिर है जो फोर लेन बनने के क्रम में तोड़ दिया गया था, उसी मंदिर का पुनः निर्माण दूसरे जगह कराया गया है। आइए हम एक भक्त के द्वारा मंदिर के बारे में पूरा जानते हैं कि लोगों के द्वारा किस तरह फिर दोबारा मंदिर का निर्माण कराया गया और पूरी प्रक्रिया कलश यात्रा से लेकर के और प्राण प्रतिष्ठा तक के कैसे होने वाला है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज कलश यात्रा है, पूरे पूजन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आज से जो शुरू हुआ है कब तक चलेगा। 7 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा और वहीं उसी दिन बाल भोज, कन्या भोज कराकर स्वामी जी का भी आगमन है उसी दिन, उसी दिन पूर्णाहुति हो जाएगा। अच्छा, ये मंदिर जो बन रहा है क्या चीज का मंदिर है? दुर्गा जी का, दुर्गा माता का मंदिर है। पूरे मैंने ग्रामीण सहयोग से बन रहा है कि क्षेत्र का? पूरे से पूरा ग्रामीण और क्षेत्र सारे लोग इसमें संलग्न है। मैंने ऐसी कोई, मैंने यहाँ गांव के लोगों के द्वारा ये माना गया है कि यहाँ मंदिर बनाने के पीछे क्या रीजन था लोगों का? यहाँ कारण था कि पहले दुर्गा जी का मंदिर था, फोर लेन में चला गया, कितने कितने भक्त माता भगवती का प्रदक्षिणा एक बार ही होता है, एक बार प्रदक्षिणा करिए और सब लोग को प्रदक्षिणा करना जरूरी नहीं है। वहाँ फोर लेन में चला गया, उसी के उपलक्ष में यहाँ जो ग्रामीण अपना श्रद्धा व्यक्त किए, उसी के आधार पर यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है। कृपया अपना परिचय दे दें। हम अनिल सिंह नाम हुआ, गीता घर हुआ, भूतपुर मुखिया रहे हैं यहाँ के। धन्यवाद। कलश यात्रा में भाग लिया, आप भी कलश यात्रा में आए हुए हैं, ये मंदिर का विशेष महत्व पर कुछ आपसे जानना चाहेंगे। ये मंदिर बहुत पुराना, पहले उस तरफ था पोलैंड में, पोलैंड होने के बाद यहाँ इसे गांव के लोगों के सहयोग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।